महाराष्ट्र में जिस तरह गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, जगह जगह गली गली आपको गणपति देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम वीटी में खड़े हैं, सीताराम बिल्डिंग का जो सार्वजनिक गणपति है। सैलाज सर से बात करना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे, जोड़े शंकर सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी गणपति है और कब इसकी स्थापना हुई थी? स्थापना हमारा 1940 साल में हुआ था, जब अभी 75 साल है हमारा। 75 साल में हमको इतना अच्छा लग रहा है कि ये 75 कैसा आए तो ये भी हमको मालूम नहीं पड़ा। और आज 75 साल में आप देख रहे हैं इतना अच्छा मुंबई में नंबर वन डेकोरेशन अक्षरधाम मंदिर जो 15 दिन में इधर बन गया, वह आज आपको इधर दिख रहा है। और एक मन अच्छा सुबक मूर्ति इधर आपको देखने मिल रही है। अक्षरधाम मंदिर बनाने की मन में किस तरह से भावना है कि इस बार जो है हम डेकोरेशन में अक्षरधाम मंदिर बनाएं? अक्षरधाम मंदिर मतलब यहाँ पे 80% मुस्लिम और 20% हिंदू है, लेकिन यहाँ पे मंदिर बनाना हमारा एक साल पहला चालू था बात। और एक महीना पहला हमारे कार्यकर्ता गए थे गुजरात में, वहाँ पे देख के आए कि अक्षरधाम मंदिर कैसा बनाना चाहिए, उसमें सब ये थीम कैसा बनना चाहिए। और ये सेम प्रतिकृति बनाने का है, तो हम लोग कार्यकर्ते का ये सब मेहनत है कि एक डेढ़ महीना हम लोग सब मेहनत करके ये बनाया। डेढ़ महीना लग गई आपको इस मूर्ति, इस जो डेकोरेशंस को बनाने के लिए, कितने लोगों कारीगर लगे होंगे, किस तरह से उन्होंने काम किया? कारीगर तो लगे 50, 60, कभी 70, लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता जो मंडल के आए वो 100 कार्यकर्ता अपना काम धंधा छोड़ के रोज इधर था डे नाइट, इसके लिए उनके साथ ये साकार हुआ ये मंडप। यहाँ पे जिस तरह से आपने बताया कि मुस्लिम्स भी बहुत एरिया है, तो किस तरह से मुस्लिम लोगों की आपकी सपोर्ट मिली है, जिस तरह से माहौल है यहाँ पे, बट यहाँ पे दिख रहा है एकजुटता दिखती है? नहीं, माहौल का फर्क कभी हमको कभी नहीं आया। और कभी हमारे को 100 साल के बाद 100 साल हमारा भी सपना है, लेकिन जब भी वो माहौल का फर्क हमको नहीं आता है। सीताराम बिल्डिंग में सब समभाव मतलब सब लोग रहते हैं और कोई ऐसा तकलीफ नहीं हमको, मंडल को बापा का ऊपर आशीर्वाद आई हमारे ऊपर, तो इधर कुछ तकलीफ नहीं आएगा कोई समाज का। गणपतीचा उत्सव एकदम फसकाला झालाय आणि व्यवस्थित झालाय। हां, माझं वय 89 आहे। किती वर्षापासून तुम्ही? 75 वर्ष झालं आता याला। तुम्ही किती वर्षापासून? मी इथं आहे 52-51 पासून, सीताराम बिल्डिंग 51 वर्षापासून। आता कसं वाटतं? आता एकदम छान वाटतंय, मस्त वाटतंय एकदम। आणि ना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम का जो एकता देखने को यहाँ पे। ये सीताराम बिल्डिंग में हिंदू मुस्लिम ये एकता है, वो ऐसी आग किधर भी नहीं है एरिया में। ये सब मिलजुल के ये त्यौहार बनाते हैं। मुस्लिम लोग का भी हमको अच्छा सपोर्ट मिलता है, कोई पूजा रहे आरती रहे तब मुस्लिम लोग इधर आते हैं जाते हैं, शुभेच्छा देते हैं इधर आके हमको, तो थोड़ी बहुत डोनेशन को भी बहुत मदद करते हैं वो लोग, उनका अच्छा सपोर्ट है। और हिंदू मुस्लिम की ये एकता का गणपति समझता है एरिया का, दक्षिण मुंबई के। सर क्या कहना चाहेंगे, आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? आज मेरी उम्र 60 है, आज गए 59 साल से, मैं बचपन से ये गणपति बापा देख रहा हूँ। ऐसा डेकोरेशन और इतना बड़ा खर्चा, ये सब हमने सपने में भी नहीं सोचा था, ये सब बापा के आशीर्वाद से हम कर सके। और यही हमारे पीछे की पीढ़ी जो है वो 100 साल का इससे भी बेहतर बनाए, ऐसा हम आशीर्वाद बापा की तरफ से सबको देते हैं। गणपति बापा मोरिया। यहाँ पे देखने को मिला हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो पूरी तरह से यहाँ पे मिसाल एक साबित कर रही है, क्योंकि इस गणपति में आप देखना चाहेंगे कि जिस तरह से अक्षरधाम मंदिर बनाया गया है और लोगों में जो एक उत्साह है, उनका साफ कहना है कि ये 75 ईयर्स इस बार हुआ है, इसी तरह से हम 100 साल पूरा करेंगे। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संदेश श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।